हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और मेरी ट्यूशन को छुट्टी, तो अभी मैं उठ गया हूँ, नहा लिया है मैंने। मम्मी बना रही है लंच। आज सुबह सुबह 4 बजे इतनी जोर जोर से बारिश आई थी ना, इतनी जोर जोर से बारिश आई थी, पूरी बिजलियाँ कड़क रही थी, अपने जो विंडोज है डोर से वो सब वाइब्रेट कर रहे थे, मेरी नींद खुल गई, लाइट चली गई, उसकी वजह से नींद नहीं आई और आज मैं 10 बजे तक सोया और अभी बज रहे 12। तो अभी लंच करने का भी टाइम हो गया है, तो मैं अभी लंच कर लेता हूँ। गाइस, महंगाई को सिर्फ बढ़ने के चांसेस चाहिए होते हैं। आज सुबह बारिश क्या आई जोर जोर से, मंडी में सब्जी का ट्रक ही नहीं आया, सब्जी आई नहीं है, तो सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है। तो मम्मी ने बनाई फूलगोभी, 20 रुपये की फूलगोभी सीधा 40 को मिली गाइस, हमने खरीदी। तो लंच में है जैसे कि मैंने बताया, फूलगोभी की सब्जी और रोटी। चलो मैं अभी लंच कर लेता हूँ। डॉगी आ गया है और अभी श्राद्धा की रोटी खिलाने का टाइम आ गया। भाग गया। हम आए थे उन्हें खिलाने रोटियाँ, पर वो तो भाग गए। को बुलाने के लिए कोई टेक्निक हो तो कमेंट में बताना गाइस। हमारे यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही करके बुलाते हैं, गाय हो चाहे कुत्ता हो, ये करके आए नहीं वो। तो अभी लंच वगैरह हो गया है। पापड़ तल दो। अरे नहीं, तल दो ना, लाए तल दो ना, तल दो नहीं। अरे थोड़े बहुत तल दो, थोड़े बहुत तल आमरस। अरे वो गाड़ियाँ ही नहीं मिल रही है, ठेले ही नहीं मिल, बना दो थोड़े से पापड़ तल दो चाय के साथ, मस्त चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, पापड़ नहीं। अरे तो पापड़ पहले खाऊंगा, चाय ऊपर से पीऊंगा, पापड़ तल दो। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? मुझे खाना है, तल दो थोड़े से। तो गाइस फाइनली मम्मी मान गई है, चावल के पापड़। क्या हुआ? नहीं, वो दो चक्के वाली है, पीछे से दो चक्के लगे, झुक जाएंगे। अरे नहीं, डबल सीट दूसरी मैं लेकर नहीं देने वाली। हाँ, डबल सीट वो जिस साइकिल को दो चक्के नहीं रहते पीछे से, उस साइकिल पे करते। नानी चलो पापड़ पापड़ गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर विथ पापड़। एकदम कटोरी के शेप में तल के दिए मम्मी ने, कटोरी छोटी सी, वो कटोरी के शेप में फूले हैं, देख कटोरी के शेप कैसे है। चावल के पापड़। चावल जैसे। गाइस देखो अभी डॉगी आ रहा है, फाइनली आ रहा है। देखो गाइस श्राद्धा की रोटियां डॉगी को नसीब हो गई फाइनली। वो तो उधर ही, वो आया ही नहीं। ये अपने स्ट्रीट डॉग से गाइस, देसी एकदम देसी। लो डालो ना, ऐसे फेंको मत, थोड़ा सा धीरे डालो, ऐसे धीरे डालो, ऐसा थोड़ा सा धीरे। डरती है, मुझे भी धोना है, मुझे दे ही नहीं रही है, मुझे भी डालना है। फाइनली श्राद्धा के हाथ की रोटियां कुत्ते को नसीब हो ही गई, डॉगी को। कैसा लग रहा है सर आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है। आ जाओ।
रिंकू रह गया पीछे और ये रेस जीत गई है स्वराध्या। इस बार रिंकू जीत गया है। इस बार भी रिंकू ही जीत गया है और सेकंड आई है स्वराध्य। कम हवा हो गई दोनों टायर में, लेकिन कैमरा लेके नहीं जाऊंगा आज, ऐसे हवा भर के वापस आऊंगा। चलो फिर बाय बाय बाय। कितने की आई हवा? कितने की आई हवा? 5। देख तू तो बोल रहा था 10 लेगी, पता नहीं। अभी मस्त रिफ्रेशमेंट के लिए दूध पीता हूं, एनर्जी आ जाती है दूध पीने के बाद, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो गाइस डिनर में है दाल फ्राई रोटी और चावल। आज मेरे ट्यूशन की छुट्टी थी तो बहुत बढ़िया तरीके से ब्लॉग बना पाया मैं, और वो अपनी जो साइकिल उसको पंक्चर है तो हवा भर के कोई फ़ायदा नहीं, पंक्चर ठीक कराने जाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।